प्रदूषण पर अंकुश लगाने और हरित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अब दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया समेत सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। अंतर मंत्रालय पैनल ने बृहस्पतिवार को फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। इसके तहत 5 सालों में 5,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दो पहिया वाहनों की तरह ही अब तीन पहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर भी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें टैक्सी और इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया गया है। हालांकि स्ट्रोक हाइब्रिड वाहनों को अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। अंतर मंत्रालय बैठक में वित्त, सड़क परिवहन, राजमार्ग और भारी उद्योग मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने शिरकत की। इसमें नीति आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मौजूदा समय में फेम इंडिया ऋण एक योजना के तहत स्ट्रोक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों, दो पहिया और तीन पहिया वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत तकनीक पर निर्भर बैटरी चालित स्कूटर मोटरसाइकिलों को 1,800 सेकंड 29,000 जबकि तीन पहिया वाहनों पर 3,300 सेकंड 61,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है। ऑटोमोटिव विनिर्माता हर महीने के अंत में प्रोत्साहन राशि का दावा करती है। पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 2015 में फेम इंडिया योजना की शुरुआत की थी। यह योजना इस साल सितंबर तक या फिर दूसरे चरण को मंजूरी मिलने तक लागू की गई थी।